इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे और आपकी वर्ड मीनिंग और वोकैबुलरी और अच्छी हो। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। रिवर क्वीन, रिवर क्वीन। नदी की रानी, रिवर का मतलब होता है नदी, क्वीन रानी। वंस, वंस एक बार, बोधिसत्व, बोधि सत्व, बोधिसत्व। वॉज बॉर्न, वॉज बॉर्न जन्मे या फिर जन्म लिया। एक बार बोधिसत्व ने जन्म लिया। टू अ रिच फैमिली, टू अ रिच फैमिली एक अमीर परिवार में। रिच का मतलब होता है अमीर, फैमिली परिवार। बट लेकिन, ही रिनाउंस्ड, ही रिनाउंस्ड उन्होंने त्याग दिया। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना या फिर छोड़ देना। रिनाउंस्ड है तो त्याग दिया। ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स, ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स सभी दुनिया के सुखों को। ऑल का मतलब है सभी, वर्ल्डली दुनिया के, दुनिया के प्लेजर्स सुख। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया। लीडिंग अ लाइफ, लीडिंग द लाइफ जिंदगी जीना। ऑफ एन एसेटिक, ऑफ एन एसेटिक एक सन्यासी का, और एक सन्यासी का जीवन जीना शुरू कर दिया। लीड का मतलब है जीना, लाइफ जिंदगी या फिर जीवन। स्टार्टेड शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। एसेटिक सन्यासी, सन्यासी। वन मॉर्निंग, वन मॉर्निंग एक सुबह। When he was bathing, when he was bathing वो नहा रहे थे। When का मतलब है जब, he वह was थे, bathing नहा रहे, नहा रहे। In the spring, in the spring एक धारा में। Spring का मतलब है यहाँ पर धारा। Near his hermitage, near his hermitage अपनी कुटिया के पास। hermitage का मतलब है संतों के रहने वाली कुटिया। near पास। a beautiful water nymph, a beautiful water nymph एक सुंदर जलपरी। ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर, वाटर निम्फ जलपरी, जलपरी। कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम, कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिम उसकी नजर पड़ी। ग्लिम्स ऑफ का मतलब होता है नजर, कॉट पड़ी यानी उस जलपरी ने बोधिसत्व को देखा। एंड और इमीजिएटली, इमीजिएटली और तुरंत ही। इमीजिएटली का मतलब होता है तुरंत ही, तुरंत ही। फेल इन लव, फेल इन लव प्रेम में पड़ गई।
फिर इन लव का मतलब है प्रेम में पड़ गई, प्रेम में पड़ गई। Why is a young handsome man? Why is a young handsome man? क्यों एक नौजवान खूबसूरत आदमी, यंग का मतलब है नौजवान, नव जवान, why क्यों, is है, handsome खूबसूरत, खूब सूरत फीमेल के लिए ब्यूटीफुल का यूज होता है और आदमी के लिए हैंडसम का यूज होता है खूबसूरती के मामले में, कि क्यों एक नौजवान खूबसूरत आदमी लाइक हिम इसके जैसा, लाइक का मतलब है जैसा, हिम इसके या फिर उनके लिए कहा जा रहा है बोधिसत्व के लिए, लीडिंग अ लाइफ जीवन जी रहा है, ऑफ हार्डशिप्स कठिनाई का, हार्डशिप्स का मतलब होता है कठिनाई। इस तरह का खूबसूरत नौजवान आदमी क्यों एक कठिनाई का जीवन जी रहा है, वंडर्ड द निम्फ उस जल परी ने खुद से पूछा, वंडर का मतलब होता है अपने आप से बात करते हुए पूछना और आश्चर्यचकित होना, तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि वो आश्चर्यचकित हुई, प्रोबेबली संभवतः, ही डज नॉट नो वह नहीं जानता है, देयर इज सो मच प्लेजर कि इतना आनंद है, इन द वर्ल्ड इस दुनिया में, वर्ल्ड का मतलब है दुनिया, प्लेजर आनंद, सो मच इतना ज़्यादा या फिर इतना, नो का मतलब होता है जानना, ही डज नॉट नो है तो वह नहीं जानता, ही सैंग उसने गाया यानी उस जलपरी ने गाया अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एक खूबसूरत गाना, ब्यूटीफुल खूबसूरत सॉन्ग गाना, सैंग गाया, सैंग सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है, सिंग का मतलब होता है गाना और सैंग है तो गाया, होपिंग दैट इस आशा में कि बोधिसत्व वुड फॉल इन लव, बोधिसत्व वुड फॉल इन लव प्रेम में पड़ जाएगा, फॉल इन लव का मतलब है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया प्रेम में पड़ना, उसने इस आशा में एक सुंदर गाना गाया कि बोधिसत्व प्रेम में पड़ जाएगा, विथ हर उसके, लिसनिंग टू हर मेलोडिक वॉइस उसकी सुरीली आवाज सुनकर के बोधिसत्व प्रेम में पड़ जाएगा, इस आशा में उसने एक सुंदर गीत गाया, मेलोडिक का मतलब है मधुर, वॉइस आवाज, लिसनिंग सुनकर बट लेकिन ही वॉज अनमूव्ड उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, अनमूव का मतलब है वो जरा भी नहीं हिले या फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित होकर, द निम्फ वेंट अप वो जल परी गई,
टू हिम उनके पास एंड सेड और कहा, ओ माई लॉर्ड, ओ माई लॉर्ड, हे मेरे भगवान, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान, माई मेरे, why are you ignoring, आप क्यों बच रहे हो, इग्नोर का मतलब होता है बचना या फिर नज़रअंदाज करना, आप क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो, ऑल द प्लेजर्स सभी सुखों को, ऑफ लाइफ जीवन के, एंड और लीडिंग अ लाइफ और एक जिंदगी जी रहे हो, ऑफ हार्डशिप कठिनाई भरी, और एक कठिनाई भरी जिंदगी जी रहे हो, यू कैन टेक अप आप ले सकते हो मेडिटेशन ध्यान को, वंस यू आर ओल्ड जब आप बूढ़े हो जाओ, एक बार जब आप बूढ़े हो जाओ तब आप ध्यान कर सकते हो या फिर ध्यान ले सकते हो, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, ओल्ड बूढ़ा, हियरिंग दिस इसको सुन करके, द एसेटिक स्माइल्ड सन्यासी मुस्कुराए, एसेटिक का मतलब है सन्यासी, स्माइल मुस्कुराए एंड सेड और कहा, माई डियर गुड लेडी मेरी प्यारी अच्छी महिला, लेडी का मतलब होता है सज्जन महिला, क्या होता है सज्जन महिला, गुड अच्छी, माई डियर मेरी प्यारी, नो वन नोज कोई नहीं जानता है, whether I will leave मैं रहूंगा या नहीं, that long उतने लंबे समय तक, whether का मतलब है यहां पर या leave जिंदा या फिर रहना, the nymph realized उस जलपरी को एहसास हुआ, that she would never be able वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगी, to move him उन्हें बदलने में, मूव का मतलब यहां पर होगा बदलना या फिर उन्हें हिलाना, वो उन्हें हिलाने में कभी भी सफल नहीं हो पाएगी, उसे एहसास हुआ, एंड वैनिश्ड फॉर एवर और हमेशा के लिए गायब हो गई, वैनिश का मतलब होता है गायब होना वैनिश्ड है तो गायब हो गई, फॉर एवर हमेशा के लिए रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना रियलाइज्ड है तो उसे एहसास हुआ, नेवर कभी नहीं
उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी ना किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।